सो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के ऊपर टच स्काई लर्निंग लिखना है, ठीक है, TOUCH टच स्पेस SKY स्काई LEARNING, टच स्काई लर्निंग को लिख करके आपको इसे सर्च करना है। और जैसे आप सर्च करोगे आपको जो यहाँ पर जो ये दिख रही है सेकंड में टच स्काई लर्निंग, इसका ऑरेंज कलर का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपके प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और यहीं से आप अपने इस चैप्टर के शहनाई वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर, और इसमें बहुत कुछ है, इसमें एप्लीकेशंस भी हैं आपके लिए पूरी, आपके लिए SSBs के अंदर प्रोवाइडेड किए गए हैं, तो यहाँ से आप आपका स्टडी मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। चलते हैं चैप्टर के ऊपर। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसी का एक अंश उनकी बायोग्राफी का इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे। जैसा कि आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, क्योंकि उनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अफ्रीका में कास्ट सिस्टम, अपार्थेड सिस्टम चल रहा था, जैसे रंग भेद, काले गोरे का भेद वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चल रहा था। वहाँ पर जो काले लोग होते थे उन्हें गोरे लोगों के एरिया में जाने की परमिशन नहीं थी, और गोरे लोग काले लोगों के एरिया में नहीं आते थे। मतलब ये बहुत बड़ा भेदभाव दोनों के बीच में चल रहा था। काले लोगों को गोरे लोगों के द्वारा सेपरेशन झेलना पड़ता था, मतलब उनका दबाव, उनके ऊपर उनका पीड़न, ये सारे जो गोरे लोग थे ये काले लोगों पर किया करते थे, उन्हें डराया करते थे, उन्हें दबा करके रखते थे। जैसे इंडिया के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है, आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे उन पर वाइट पीपल रूल कर रहे थे। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया कि उसके विरोध में, है ना, उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध करते हुए वहाँ के जो वाइट पीपल जो रूल कर रहे थे उन्होंने, जो भी विरोधी थे, जो भी विरोध कर रहे थे उनके अगेंस्ट, उन्हें वो जेल में डाल रहे थे। तो इसी तरह से जब नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई अपने लोगों के लिए, अपनी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। तो लगभग 30 सालों तक उन्हें जेल में, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के लिए जेल में उन्हें डाल दिया गया। और जब वे 30 साल के बाद आए तो उन्हें वहाँ पर जो उनका दक्षिण अफ्रीका था, वहाँ पर अफ्रीका के अंदर चुनाव हुए थे, लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, है ना, जनता का मत वाला चुनाव। तो वहाँ पर सबसे पहले, इतनी बड़ी हिस्ट्री में दक्षिण अफ्रीका की, सबसे पहले चुनाव हुए और उसके अंदर जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले। और उसके बाद में वहाँ का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ब्लैक प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलेंगे, क्योंकि इतने दिनों से वाइट लोगों का वहाँ पर शासन था, तो नेल्सन मंडेला अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर बनाए गए थे। तो ये मैंने आपको बताया है नेल्सन मंडेला के बारे में, क्योंकि उन्होंने, उनका जीवन जो है बहुत स्ट्रगल में गुजरा है। उन्होंने जिस तरह से इंडिया को फ्रीडम मिली थी अंग्रेज़ों से, इसी तरह से उन्होंने भी जो ब्लैक और वाइट का शासन चल रहा था वहाँ पर, वाइट के द्वारा जो ब्लैक को, ब्लैक लोगों को जो दबाया जा रहा था उससे उन्होंने आज़ादी उन्हें दिलवाई, ठीक है। तो वो भी उनके लिए एक इंडिपेंडेंट वाला दिन था उनसे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, और इसमें वो स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह से उन लोगों को अपने देश से, मतलब आज़ादी दिलवाई, उसके बारे में यहाँ पर है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको चैप्टर में क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा आइडिया दिया है, अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे हमें पूरा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं। अपार्थिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर बिफोर यू रीड में। अपार्थिड सिस्टम का मतलब होता है रंग भेद, है ना, जो भेदभाव करते हैं रंगों के अकॉर्डिंग, काले और गोरे को लेकर के जो भेदभाव करते हैं उसे अपार्थिड बोलते हैं। तो रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है, ठीक है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए जो तीन देश हैं उनमें हाल ही में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी, मतलब ये जो आर्थिक सिस्टम है ये हाल ही में कौन से कंट्री में था, इन जो नीचे दिए गए हैं इनमें से, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था, साउथ अफ्रीका में था, या ऑस्ट्रेलिया में था? तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका में था, ठीक है। और आगे है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में कि वो कौन थे, या फिर मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या फिर उनकी पार्टी जिनका, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, मतलब नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी, मतलब नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी लाइफ, कहने का मतलब ये है कि इस रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ते हुए अपनी पूरी लाइफ उन्होंने स्पेंड कर दी। अब जैसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि लगभग पूरे 30 ईयर्स उन्होंने जेल में गुजारे, तो हमारी जो लाइफ रहती है उसका आधा भाग तो उन्होंने जेल में गुजार दिया। तो ये सबसे बड़ा हम उनका कंट्रीब्यूट मानेंगे इस सिस्टम के अगेंस्ट। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1990।
फोर, और जब वो वहाँ से निकले 30 ईयर्स के बाद, तो एक इलेक्शन हुए वहाँ पर, लोकतांत्रिक इलेक्शन, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, और उसमें 1994 में एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। अब न्यू नेशन क्यों बोलेंगे उसे, क्योंकि इस बहुत लगभग 300 साल तक, है ना, 300 साल तक वहाँ पर वाइट पीपल ने क्या किया है, राज किया है, और उसके बाद में फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब जो ब्लैक कलर वाले जो लोग थे उनका एक प्रेसिडेंट बनता है, तो उनके लिए एक तो एक हिस्टोरिकल डे था, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे था। तो उसमें पहली बार जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस न्यू नेशन के। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। आगे देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि उन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्ट्री ओकेजन द इनोग्रेशन। मंडेला क्या बताते हैं, उनका जो एक बहुत बड़ा हिस्ट्रिक ओकेजन था जिसे वो बताते हैं इनोग्रेशन, मतलब जो उनका ओथ टाइम था, मतलब जहाँ पर वो शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट की, उस टाइम के बारे में वो यहाँ पर बात करते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये जो ओकेजन है वो किस तरह का हो सकता है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। मतलब एक जो समाचार पत्र है BBC, उसके अनुसार 10 मई 1994 को पढ़ करके आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा दिन था। तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम चैप्टर में पढ़ेंगे, हमें सब कुछ पता चल जाएगा यहीं पर। तो चलिए, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मतलब इस दिन 1994 को मंडेला क्या करते हैं, बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर बार बार ब्लैक प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है, तो वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि इतने सालों तक, लगभग 30, मतलब 300 साल तक, कितने साल तक, 300 साल तक वहाँ पर वाइट पीपल का राज चल रहा था, और उनके राज के बाद में किसका किसका शासन आया, ब्लैक पीपल का। तो इसलिए वो इसको फोर्स देकर के इस वर्ड को बोलते हैं ब्लैक, कि इतने दिनों से वाइट पीपल ने यहाँ पर राज किया, अब ब्लैक पीपल की क्या बनी, सरकार बनी, तो वो ब्लैक पीपल के सबसे पहले राष्ट्रपति वहाँ के बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने, लगभग कितने, 3 शताब्दी, मतलब 3 शताब्दी, मतलब 300 साल से भी ज़्यादा इन वाइट पीपल का वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में शासन रहा। और उसके बाद में जैसे ही वहाँ के इलेक्शंस होते हैं, नेल्सन मंडेला वहाँ के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड ANC पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। अब देखिए, बताया गया है कि जो मिस्टर मंडेला थे, उनकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC पार्टी ने जब वहाँ का चुनाव हुए, तो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में सबसे पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252, मतलब किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए, हाफ टोटल वोट के, हाफ वोट से, टोटल सीट्स के हाफ सीट से एक सीट भी अगर ज़्यादा मिल गई तो आप लोग जीत जाते हो। जैसे 400 है तो 200 और एक सीट, मतलब 201 सीट अगर आपको मिल जाती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन यहाँ तो 252 सीट्स उन्हें मिली थी, ठीक है। और उसके बाद, मतलब ये कहने का मतलब ये कि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े मार्जिन से कोई जीते। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एपी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अब वो बताते हैं कि आज के दिन क्या हो रहा था वहाँ पर, कि जो समारोह है, जो ओकेजन होने वाला था, वो प्रिटोरिया के बिल्डिंग एम्फी थिएटर में होने वाला था, और अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इस ओकेजन में इकट्ठे होने वाले जो लोग थे वो कौन कौन थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, है ना, बहुत प्रसिद्ध लोग थे, और साथ में 140 देशों से भी अधिक राजनेता थे वहाँ पे, पॉलिटिशियंस थे। क्यों आए थे, सब वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये जो दिन था वो दक्षिण अफ्रीका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन था, तो इसे इंजॉय करने के लिए, इसको देखने के लिए इतने 140 राजनेता से भी ज़्यादा वहाँ पर अलग अलग देशों के आए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो अपने संबोधन में ऐसा कहते हैं कि कभी भी नहीं, कभी मतलब फिर कभी भी नहीं, इस खूबसूरत जो भूमि है यहाँ की साउथ अफ्रीका की, उसको एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव अब कभी नहीं करना होगा। मतलब पहले यही चल रहा था कि एक रंग वाली जाति दूसरी जाति को उत्पीड़न कर रही है ना, उसका शोषण कर रही है, तो अब इस तरह का जो प्रोग्राम है वो कभी भी इस धरती को नहीं झेलना होगा, ऐसा वो अपने संबोधन में जब वो एड्रेस करते हैं पीपल को तब वो कहते हैं। जुबिलेंट सेंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस
sang and danced with joy. अब देखिए क्या होता है, ये जो समारोह हो रहा था वहाँ पर, जो ओकेजन हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, जो प्रिटोरिया की बाहर का जो प्रिटोरिया था, वहाँ की सड़कों पर काले गोरे मतलब वाइट ब्लैक सब तरह के रंग वाले जो लोग हैं वो मिलकर जश्न मना रहे थे। पहले ये सब नहीं था, ब्लैक ब्लैक तरफ वाइट वाइट तरफ, लेकिन अब सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ जश्न मना रहे थे। वो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जो दक्षिण अफ्रीका की जनता है उनमें महिला पुरुष बच्चे सभी बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, वो बहुत आनंद ले रहे थे। बहुत बड़ा दिन था उनके लिए हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है, इसे रहने देते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, 10 मई 1994 का ये बात है। तो उसी दिन क्या होता है कि जो नेल्सन मंडेला है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन करते हैं, बताते हैं हमें कि उस दिन क्या हो रहा था। ठीक है, तो उसी को देखते हैं हम। इसमें लिखा है 10th में जॉन ब्राइट एंड क्लियर, वो कहते हैं कि 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट दिन था, अच्छा एकदम क्लियर दिन था, बहुत अच्छा दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली decided by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब ये बताना चाह रहे थे कि 10 मई का दिन था, बहुत अच्छा दिन था, और मैं कुछ दिनों से क्या हो रहा था, यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से बहुत सज्जन मतलब कहने का मतलब प्रसिद्ध लोगों और जो दुनिया भर के आए हुए लीडर्स हैं, राजनेता हैं, उनसे मैं घिरा हुआ था। मतलब वो लोगों से उनका मिलना जुलना चल रहा था क्योंकि वो इतने बड़े पद के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे, तो सब लोग उनको बधाई देने के लिए, अपना आभार व्यक्त करने के लिए उनसे मिल रहे थे। किससे पहले? उस इनोग्रेशन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। और ये भी बताया जा सकता है कि जो भी उद्घाटन होने वाला था ना, जो इनोग्रेशन होने वाला था, वो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। मतलब इतनी बड़ी मीटिंग कभी नहीं हुई, इतने बड़े राजनेताओं की, इतने सारे राजनेताओं की, तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो ये जो सभा है, जो मीटिंग है, जो इनोग्रेशन है, इसमें इतने सारे राजनेता है देश भर के कि सबसे बड़ी मीटिंग इसको बताया गया है, किसमें? दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। द सेरेमनी टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अब जो ये जो ओकेजन होने वाला था, ये कहाँ पर होने वाला था? ये प्रिटोरिया में यूनियन एम्पीथिएटर बिल्डिंग, इसके द्वारा बनाया गया एक सुंदर सा बालू पत्थर का एम्पीथिएटर में हुआ था। मतलब यहाँ का जो एक बिल्डिंग है एम्पीथिएटर, क्या होता है जिसके अंदर ऊपर छत नहीं होती है, ठीक है, बालू पत्थर से बना हुआ, इसके ऊपर छत नहीं होती है, कि एक ऑडिटोरियम जैसा होता है जिसके अंदर छत नहीं होती, पर सीट्स बनी हुई थी सबकी बैठने के लिए। ठीक है, तो ऐसी जगह पर ये सारा जो होने वाला था, ठीक है, कहाँ पर? प्रिटोरिया के अंदर। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब क्या हो रहा था कि कई दशकों से, ठीक है, कई दशकों से ये जो एम्पीथिएटर था ये किसके अंडर में था? वाइट पीपल के, मतलब वाइट पीपल का यहाँ पर बैठना उठना होता था, वही यहाँ पर मीटिंग्स किया करते थे। एंड नाउ इट वॉज द सीट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। लेकिन जो अब है, अब ये एम्पीथिएटर किसका होने वाला था? नॉन रेसिकल गवर्नमेंट का। मतलब पहले ये वाइट पीपल का था जो कि रंगभेद की नीति अपना रहे थे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होने वाला था। इसमें दक्षिण, अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर सब तरह के जो लोग, जैसे रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, उसी तरह से अब ये सभी धर्म, सभी जाति, सभी तरह के कलर के लोगों के लिए ये जो स्थान होने वाला था, सभी लोग यहाँ पर, ऐसे लोगों की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने वाली थी। ठीक है, और वो आगे बताते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस इतने अच्छे दिन पर, मतलब ऑटम डे का मतलब होता है बहुत ही अच्छा दिन था ओकेजन पर, मेरी बेटी मेरे साथ थी जिसका नाम था जनानी। जनानी उनकी बेटी थी, वो भी इस ओकेजन पर उनके साथ में थी। ऑन द पोरियम मिस्टर डे क्लर्क है ना वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बताते हैं कि शपथ लेने का टाइम था, वो बताते हैं मेरी बेटी मेरे साथ में थी जिनका नाम था जेनानी, और उसी टाइम पे जो मिस्टर डी क्लार्क थे उन्होंने पहली बार दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह चल रहा था, तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने वहाँ पर शपथ ली एज ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद ये था, देखिए, नेल्सन मंडेला। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. और उसके बाद में जैसे ही जो second जो prime minister के president के रूप में उन्होंने शपथ ली, उसके बाद में first deputy president के रूप में किन्होंने शपथ ली? यहाँ पर ली Thabo Mbeki ने, ठीक है। मतलब पहले जो उपराष्ट्रपति है उनको शपथ दिलवाई गई, उसके बाद में नंबर आता किनका? हमारे नेल्सन मंडेला का। तो आगे क्या था? When it was my turn, वो कहते हैं कि जब उसके बाद मेरी बारी आई, तो I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people.
टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब देखिए क्या होता है इस पैराग्राफ में, उन्होंने बोला है कि जब मेरी बारी आती है मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और जो वहाँ का गणतंत्र था और उसके जो लोग थे उनकी भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैंने इस तरह संकल्प लिया कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा और वहाँ के लोगों की भलाई करूँगा, ठीक है। और उसके बाद में जो वहाँ के इकट्ठे मेहमान थे और जो दुनिया को वो एड्रेस कर रहे थे उनके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी ऑन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वो यूँ कहते हैं कि आज हम सब यही मानते हैं, यही करते हैं कि यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। मतलब जो उनको स्वतंत्रता मिली थी वो एक तरह से न्यू थी, तो उसे उन्होंने बोला कि नई स्वतंत्रता को हम हमारी आशा प्रदान करते हैं, गौरव प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि एक असाधारण मानव आपदा जो बहुत लंबे समय तक चली, ठीक है, मानव आपदा से मतलब वो कलर वाली जो डिफरेंस चल रहा था दोनों के बीच में, वाइट एंड ब्लैक वाला, ठीक है, तो उस आपदा जो बहुत लंबे समय तक चली और यहाँ एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी दुनिया या पूरी मानवता को गर्व हो, ऐसा वो नेल्सन मंडेला कहते हैं सबको एड्रेस करते हुए। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग, हम जिन्हें की अभी तक क्या माना जाता था, गैर कानूनी माना जाता था, वी हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल, हमें हमारी ही धरती पर अंतर्राष्ट्रीय देशों से आए हुए मेहमानों का स्वागत करने का हमें बहुत बड़ा विशेष अधिकार मिला है। मतलब अब वो सत्ता में आने वाले हैं तो अब जो जिनको कोई पूछ नहीं रहा था वो जब सत्ता में आएंगे तो वो अपनी ही धरती पर सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, उनकी मेज़बानी करने का उनको अवसर मिला है। ये सब वो बताते कि देखो हमारे लिए कितना बड़ा ये दिन हो रहा है कि हम अब देशों को संबोधित करेंगे, ठीक है। इस तरह से वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे देश के लोगों के साथ आने के लिए और जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उन सभी को वो धन्यवाद कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवता की गरिमा के लिए ये हमारी एक आम जीत थी, है ना, ये इसके लिए हमारी कॉमन विक्ट्री उन्होंने इसको बताया था। आगे है वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और वो कहते हैं कि आखिरकार हमने हमारी जो राजनीतिक मुक्ति है वो प्राप्त कर ली है, हमें जो पॉलिटिकल फ्रीडम हमें चाहिए थी हमारी बात को रखने के लिए, हमें हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए वो हमें मिल चुकी है। वी प्लेस्ड आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डिप्रेशन और सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और हम अपने आप से ये शपथ लेते हैं, है ना, वो कहते हैं कि हम ये शपथ लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के का जो निरंतर भेदभाव उनके साथ होता रहा है उसके बंधन से उन्हें मुक्त करने का हम संकल्प लेते हैं। इस तरह से वो अपने भाषण में संबोधन करते हैं, बताते हैं। उसके बाद में है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनादर। अब वो ये कहते हैं कि फिर कभी भी, मतलब अब जैसा आज हुआ है, मतलब इतने सालों से जो हो रहा है साउथ अफ्रीका की हमारी धरती पर, ऑपरेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ऐसा अब कभी भी हमारी इस खूबसूरत भूमि पर एक दूसरे के साथ जो उत्पीड़न का एक्सपीरियंस किया है हमारी इस धरती ने, अब ऐसा कभी भी नहीं करेगी। और साथ में द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, साथ में ये बताया गया है कि इतनी शानदार मानव उपलब्धि पर यह सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। साथ में ये करते हैं कि स्वतंत्रता को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ठीक है। वो इस तरह से अपने संबोधन में इस तरह से बोलते हैं कि जो कुछ भी हमारी धरती ने झेला है, हमारे साउथ अफ्रीका ने झेला है, अब इस तरह से किसी को भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ में वो सभी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि यहाँ की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे अफ्रीका की, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़े उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर आपको नीचे भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इनको कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि हमारा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हमें इसे पूरा डिटेल में देखना होगा। आगे क्या होता है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन ओ एज अ स्पेक्टकुलर अराइव ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। अब क्या होता है, देखिए जिस तरह से आपने परेड देखी होगी मार्च जैसे निकलती है ना 26 जनवरी 15 अगस्त पर, तो उसी तरह से उनका भी ऐसा ही सिस्टम था। वहाँ पर वो कुछ देर बाद क्या देखते हैं, साउथ अफ्रीकन जेट्स जो फाइटर प्लेन्स रहते हैं ना, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स,
रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जिस तरह से वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग थी जहाँ पर वो सारे लोग खड़े हुए थे, वो जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि वहाँ से जेट्स गुजर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं, उनकी आवाज़ें बहुत ज़ोर से आ रही है। जैसे एक मार्च निकलता है ना हेलीकॉप्टर और प्लेन्स वगैरह जो सलामी देते हैं सभी जाते हुए, वही जो सीन है वो यहाँ पर चल रहा था, सभी एक फॉर्मेशन में वहाँ से गुजर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। अब ये बता रहे हैं कि ये जो जेट्स हेलीकॉप्टर्स और जो इनके जो ट्रूप्स गुजर रहे हैं ये केवल वहाँ की सेना का शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक जो नई सरकार आई थी, जो डेमोक्रेसी आई थी, उसके लिए वहाँ की जो सेना है उसका समर्पण था, उसकी लॉयल्टी थी। ठीक है, जो सेना की लॉयल्टी थी किसके लिए? उस नई सरकार के लिए, सरकार के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था वो। ठीक है, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। कौन सी गवर्नमेंट के लिए? जो कि स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, उसके लिए उस सेना का क्या था? वो शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि एक वफादारी का प्रदर्शन था। साथ में ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बीडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। और उन्हीं के साथ में जब जैसे ही वो ट्रूप्स गुजर रहे थे उनके साथ में ये भी बोलते हैं कि केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की जो रक्षा बल है, सेना है वहाँ की, और पुलिस के सबसे बड़े जो जनरल होते हैं जिनकी छाती जो है रिबन और जो मेडल से भरी हुई थी, और वो मुझे सलाम कर रहे थे और अपनी वफादारी का वचन मुझे दे रहे थे। और साथ में उन्हें इस बात के साथ में एक और चीज़ याद आती है, वो ये है, इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और साथ में यही बताती कि ये जो लोग, जो बड़े बड़े जनरल्स मुझे आज सैल्यूट कर रहे थे, मुझे आज भी याद है कि इन्हीं लोगों ने मुझे पहले गिरफ्तार किया था जब उन्हें 30 सालों के लिए जेल में बंद कर दिया था। तो यही बोल रहे कि देखो आज ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, और जबकि इन्हीं लोगों ने मुझे क्या किया था, गिरफ्तार किया था, मुझे अरेस्ट किया था। तो वो अभी भी नहीं भूले उस बात को। फाइनली सेवन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और साथ में ये बताते हैं वो कि जैसे ही सेरेमनी जो एंड होने वाली होती है तो एक जेट आता है, और वो जेट वहाँ का जो सेवरन जेट होता है वो दक्षिण अफ्रीका का जो झंडा होता है, ध्वज, उसके जो रंग होते हैं काला, लाल, हरा, नीला और सोने, इस तरह का धुआं का निशान वहाँ पर छोड़ता है, जिस तरह से हम हमारे तिरंगे का निशान छोड़ा जाता है अपने एरोप्लेन्स द्वारा, उसी तरह से वो ही मार्च का सीन वहाँ पर चल रहा होता है। और ये बहुत ही जो है एकदम शानदार सी फीलिंग उनके लिए होती है उस टाइम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द डे वाज सिंबोलाइज्ड वन फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है ये बताऊँ पहले मैं आपको। यहाँ पर जब इनोग्रेशन हो रहा था, मार्च हो रही थी, उसके बाद में बारी आती है नेशनल एंथम गाने की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, नेशनल एंथम्स बजाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे, और जो वाइट जो सिंगिंग थी, मतलब जो पहले का जो शासन था वाइट पीपल का और अब है ब्लैक पीपल का, तो दोनों का अलग अलग एंथम्स गाया जा रहा था। वाइट पीपल का एंथम सभी को पता था, और जिसका नाम क्या है यहाँ पर दिया गया है, नकोसी सिके लेल आई अफ्रीका, ये गाते हुए। और जो वाइट जो ब्लैक का जो वो था राष्ट्रगान वो था डाई स्टेम, ये दोनों ही वहाँ पर गाए जा रहे थे। ठीक है, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो दैट दे नदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिसपीस्ड और दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। अभी कहने का मतलब ये है कि जो पहले शासन चल रहा था उसका एंथम सभी को आता था, और उस टाइम पर जो न्यू जो ब्लैक पीपल का जो एंथम था उसे लोगों ने मना कर दिया था गाने के लिए, लेकिन जब सरकार बन गई है तो एंथम भी चेंज हुआ, तो नया एंथम के जो लिरिक्स थे वो किसी को आते नहीं थे, लेकिन उन्हें लगता था कि धीरे धीरे जो लोग हैं इन लिरिक्स को हार्ट, मतलब बाय हार्ट याद कर लेंगे सब लोग, वहाँ का जो एंथम है वो नया एंथम वो सीख जाएंगे। ठीक है, ये सारा वो अपनी बायोग्राफी में बताते हैं। आगे है, ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो इनोग्रेशन का जो दिन था उस दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। ठीक है, वो ये बताते हैं, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि जो 20वीं शताब्दी से भी पहले के दशक में कुछ कड़वे
एंग्लो बोर युद्ध और मेरे अपने जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अपने काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्ली वर्चस्व की एक प्रणाली स्थापित की, खुद की जमीन। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जो रंग भेद चल रहा था ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी, ये उनके जन्म से भी पहले की बात है। जब से ये जो रंग भेद की नीति है ये सिस्टम तभी से चल रहा है, काली चमड़ी और गोरी चमड़ी मतलब काले लोग और गोरे, काले गोरे का भेद पहले से ही चलता आ रहा है, वो ऐसा बताते हैं। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमैन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। उसके बाद ये बताते हैं उन्होंने जो संरचना बनाई वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज में से एक का आधार बनी। मतलब जो जो रंग भेद चल रही थी पहले वाइट पीपल और ब्लैक पीपल था, उन उसी संरचना में से, उसी स्ट्रक्चर में से जो ब्लैक पीपल वाली जो संरचना थी वो अब बन चुकी थी। मतलब अब वाइट और ब्लैक का कोई वो नहीं रहा, पहले सिर्फ वाइट पीपल शासन कर रहे थे तो वो सिर्फ अपना ही देख रहे थे और सभी को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब अब ब्लैक पीपल की एक संरचना बनी है, एक स्ट्रक्चर बन गया, तो वो सभी को समान रूप से लेकर के चल रही है। ठीक है, नाउ इन द लास्ट डिकेट ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 डिकेट इज अ मैन द सिस्टम हैड बीन। अब ये बताते हैं कि अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में, ठीक है, वो आगे क्या बताते हैं, आगे दशक में द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। यहाँ पर वो ये बताते हैं कि जो सिस्टम है वो अब बदल चुका था, हमेशा के लिए बदल चुका था, रिप्लेस्ड कर दिया गया था। पहले सब क्या कर रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, काले और गोरे का भेद कर रहे थे, लेकिन जो है उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो फ्रीडम्स हैं वो सब लोगों को दी जा चुकी है, और अब उनकी स्किन के आधार पर, उनकी स्किन के आधार पर कोई भी भेदभाव से नहीं किया जाएगा, और ना ही उनके जो फ्रीडम्स है और जो राइट्स है वो उनकी स्किन के आधार पर, कलर के आधार पर नहीं दिए गए, बल्कि सब सब लोगों को समान रूप से सारे अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डे हैड कम व्हेन अबाउट थ्रू द अनइमेजिनड सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। यहाँ पर कह रहे हैं वो कि वो दिन आया है किसकी वजह से, थाउजेंड्स सेक्रीफाइसेस की वजह से, मतलब उनके कई अकल्पनीय बलिदानों के कारण बहुत हजारों लोग मरे हैं, उसके बाद में ये आज का दिन आया है, और पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेट। और उन लोगों के इस साहस और बलिदान को ना तो कभी काउंट किया जा सकता है और ना ही उनका ये जो मोल है वो चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एस आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब ये भी बात कर रहे हैं कि मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया जैसे कि मेरे पास कई अन्य दिन हैं, और कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले चले गए थे, मतलब उन सारे लोगों को जोड़ करके मुझे बनाया गया था। इस तरह से वो बताना चाह रहे थे कि मैं ही उन सभी लोगों का समूह जो मेरे से पहले यहाँ से, जो मेरा देश छोड़ करके चले गए हैं, जिन्होंने बलिदान अपना दिया है, वो सभी मेरे अंदर समाये हुए हैं। ऐसा उस दिन उनको फील हो रहा था कि वो सब जागृत हो गए हैं, सब मेरे अंदर आ गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। और साथ में ये भी बताया गया है कि वह लंबी और नेक लाइन जो थी वो खत्म हो गई है और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई है। ठीक है, वो जो लॉन्ग जो कई लोगों ने जो शासन किया है, कई लोगों की जो उम्मीदें थी फ्रीडम की, वो सारी बातें खत्म हो गई और मेरे साथ नया शासन फिर से शुरू हुआ है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट। अब साथ में ये भी बताया गया है कि मुझे इस बात का खेद है, इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कह पाया, मतलब उनको धन्यवाद नहीं दे पा रहा था, और साथ में उन वो भी इस चीज़ के लिए एबल नहीं थे, इस चीज़ को देख नहीं पाए थे कि उनके सेक्रीफाइस से, उनके सेक्रीफाइस के कारण, उनके बलिदानों के कारण देखो आज क्या हो गया है, हमने कितनी बड़ी जीत जो है अचीव कर ली है। मतलब दो चीज़ें बता रहे हैं, ना तो मैं उनको थैंक कर पा रहा हूँ और ना ही वो इस चीज़ को अब देख पा रहे थे। किन के लिए बात की जा रही है, वे शहीद, वे पेट्रियट्स जो जिनके बलिदान इस आज़ादी के लिए दिए गए थे, ठीक है, जिन्होंने अपने जो ज़िंदगी का बलिदान दिया था इस आज़ादी के लिए। आगे है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब देखिए, जो अपार्थेट, तो आप सभी को पता है जो रंगभेद की जो नीति थी, उसने क्या कर दिया था, गहरा घाव बना दिया था अपने उनके देश के अंदर और देश के लोगों के दिलों के अंदर, वो एक गहरा घाव बना करके गई थी। कौन? ये रंगभेद की नीति एक घाव पैदा कर दिया था उसने। और साथ में, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफंड
हार्ट। और साथ में ये भी बताया गया है कि हम सभी उस गहरी चोट से उभरने के लिए, और अगर हमारी पीढ़ियाँ नहीं तो कई साल बिताएंगे, ठीक है, मतलब कई साल लग जाएंगे इस घाव से उभरने के लिए, हमें कहने का मतलब ये है, ठीक है। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी हैड अनादर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर। अब देखिए यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो दशकों का उत्पीड़न रहा, उनका ऑपरेशन रहा, सेपरेशन रहा, क्रूरता रही और साथ में अनपेक्षित प्रभाव थे, इनके कारण क्या हुआ, वहाँ पर नए नए लोगों का जन्म हुआ, नए नए लोगों ने वहाँ पर जन्म लिया। और जैसे महान लीडर्स सामने आते हैं ना, उस तरह से जो आपके स्क्रीन पर आपको लीडर्स दिख रहे हैं, ये नए नए लीडर्स आपके उनके सामने आए, जिनमें कौन कौन थे, ओलिवर टेम्बर्स थे, वाल्टर सिसुलस थे, चीफ लूथिलस थे, यूसुफ दादूस थे, ब्रेम फीमर्स। और इस तरह से बताते हैं कि ऑफ अवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अब इन सभी के बारे में बता रहे कि ये जो लोग थे ये बहुत ही असाधारण से लोग थे, मतलब ये सारे लोग इन चीज़ों के कारण से सामने आए। जैसे कि कहते हैं ना कि हम क्या बताते हैं कि आविष्कार आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उसी तरह से आवश्यकता ने इन आविष्कारों का जन्म किया, कहने वाले ये जो लोग हैं ये वही उसी उत्पीड़न और उसी भेदभाव के कारण इनके अंदर ये सारी चीज़ जागी और सारे जो नेता है वो सामने उभर करके आए। तो यहाँ पर मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। अब वहाँ पर जो अभी नाम हमने बताए थे उनके बारे में बता रहे कि ये जो सारे मैन थे वो क्या मैन थे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज्ञान साहस उदारता कि उनके जैसा फिर कभी भी किसी को भी नहीं जाना जा सकता, मतलब इनके जैसा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं होगा, विजडम मतलब बुद्धिमान नहीं होगा, इस तरह के जो लोग हैं या इस उत्पीड़न से उत्पन्न हुए क्या प्रोड्यूस हुए इस प्रताड़ना से इस तरह के लोग सामने आए। आगे है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाईलाइट्स ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर यह बताया गया कि शायद इसे चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों को बनाने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराई की आवश्यकता है, मतलब अगर आप लोगों को इस तरह के कैरेक्टर चाहिए जो कि लीडर बन सके, नेतृत्व कर सके, तो इसी तरह की उत्पीड़ना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही उत्पीड़न में इस तरह के लोग सामने आते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनिथ इट्स सॉइल बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ is its people, finer and truer than the purest diamond. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मेरी जो धरती है साउथ अफ्रीका, इस धरती के अंदर सब कुछ पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपको मिनरल्स पाए जाएंगे और जेम्स यानी रत्न मणियाँ पाई जाएगी, कहाँ पर, इसके सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो खजाना है वो मेरी जनता है, ठीक है, और मैं अगर कहूँ तो मेरी जो जनता है वो सबसे बड़ा खजाना है, और किसकी तरह, एक सच्चे फाइनर और प्योर डायमंड की तरह है मेरी जनता यहाँ, एकदम शुद्ध हीरे की तुलना में यहाँ की जो मेरी जनता को मैं मानता हूँ, मुझे यहाँ का जो सोना चांदी है उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए जो मेरा वेल्थ है वो क्या है, मेरी जनता, मेरा पीपल, यहाँ की मेरी जो पीपल है, वो इस तरह से अपनी स्पीच में कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है लेकिन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो मेरी यहाँ की पीपल है जो कि बहुत सच्ची है और बहुत ईमानदार है। आगे देखिए, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। अब ये बताते हैं कि संघर्ष में इन साथियों से ही साहस का अर्थ सीखा, मतलब साहस का अर्थ क्या होता है, मैंने इन लोगों से ही सीखा कि स्ट्रगल क्या होता है, जो रियल मीनिंग है मैंने इन लोगों से ही जाना। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मतलब किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, मैंने पुरुष को बिना टूटे और महिला को जोखिम उठाते हुए देखा एक चीज़ को पूरा करने के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफीज ऑफ इमेजिनेशन। साथ में ये भी देखा गया है कि एक विचार के लिए अपने बच्चों को खो दिया उन्होंने, मतलब अपनी एक बात रखने के लिए, मैंने पुरुषों को बिना टूटे हमलों और यातनाओं के लिए खड़े होते हुए देखा है, एक ताकत और लचीलापन दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो देख रहे हैं कि मेरे अंदर साहस कहाँ से आया, जब जो लोग हैं अपनी फ्रीडम के लिए मर रहे थे, यातनाएँ सह रहे थे, वहाँ से मेरे अंदर साहस आया, वो अपने एक वचन को पालन करने के लिए अपने बच्चों तक की बलिदान दे रहे थे, वहाँ से मेरे अंदर साहस आया, ये सारी बातें वो कर रहे थे, टॉर्चर को सह रहे थे वहाँ के लोग। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, वो उनका कहना था, उनका ये मानना था कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर डर नहीं तो साहस ये कोई मीनिंग नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि उनका कहना था कि डर के ऊपर आपने अगर विजय प्राप्त कर ली तो उसे ही साहस कहा गया है, उसे ही साहस कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, और यहाँ भी कहा गया कि जो बहादुर आदमी होता है, बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो जिसको डर महसूस नहीं होता या जो डरता नहीं है, बट ही हु कंक्वर द फियर, बट वो होता है बहादुर आदमी जो कि डर पर विजय प्राप्त करता है, इस तरह से वो अपनी स्पीच में कहते हैं।
नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ठीक है, अब यहाँ पर बताता है कि कोई भी जो नफरत है वो जन्मजात नहीं लेकर के आता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपनी त्वचा के रंग के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। मतलब जो ये भेदभाव रहता है और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये पैदाइश नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे जो समाज होता है देख देख करके हम सारी चीज़ों को सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि लोगों को नफरत करना चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं कि लोगों को नफरत करना चाहिए और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। ठीक है, जब लोग वो कह रहे हैं कि जब लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और साथ में ये भी बताया गया है क्योंकि प्यार जो है वो मानव हृदय में इसके विपरीत तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। मतलब नफरत की जगह पर जो प्यार होता है वो जल्दी आता है और ज़्यादा आता है, नेचुरल तरीके से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। अब ये क्या बता रहे हैं, जब वो जेल में थे सबसे कठिन समय में भी जब मेरे साथी और मुझे हमारे पास धकेल दिया गया था, एक पहरेदार में मानवता की एक झलक देखी उन्होंने। अब वो किस तरह से बताते हैं, शायद जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भले देखी होगी, बट इट वॉज इनफ टू री एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो यूँ कह रहे थे कि जब मतलब हमें प्रताड़ना दी जा रही थी जेल के अंदर, तो वहाँ का एक गार्ड था, उस गार्ड की आंखों में उनके लिए क्या दिखाया, सिंपथी दिखाई गई थी, एक ह्यूमैनिटी का ग्लिमर उनकी चमक उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था वहाँ के गार्ड के ऊपर। जब जो वाइट पीपल थे वो इन्हें नेल्सन मंडेला को परेशान कर रहे थे, आखिरी सीमा तक उनको दर्द दिया गया, उनको पेन दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उस समय वहाँ का जो गार्ड था उसकी आंखों में एक दया, एक इंसानियत की भावना उन्हें कुछ देर के लिए दिखाई गई थी, भले ही एक सेकंड के लिए दिखी लेकिन दिखी थी। वो यही बताती कि इंसानियत होती है सबकी आंखों में, सबके पास इंसानियत होती है, और जब उन्हें वो चीज़ दिख गई तो उनके लिए सिर्फ वो एक सेकंड कि मानवता जब उनकी आंखों में दिखी तो वही उनके लिए बहुत अच्छी बात थी उनको दिखना, और यही उनके लिए मतलब कहते हैं ना कि एक रामबाण का इलाज का काम किया उस एक झलक ने कि अब वो और भी दर्द को सह सकते हैं। मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात की गई उनके द्वारा कि इंसान की जो अच्छाई होती है, जो गुडनेस होती है, वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक आग की तरह होती है, जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। मतलब अंदर आपके अंदर अगर इंसानियत है, अच्छाई है, तो आप उसे छुपा सकते हैं लेकिन अगर आपके अंदर से कभी उसे मिटा नहीं सकते। ये वो अपनी स्पीच में वो कहते हैं। मॉरल कंप्रेंशन चेक, ये फिर से ऊपर जो हमने पढ़ा है उससे उस पर बेस्ड क्वेश्चन से है। इसके बाद देखिए, इन लाइफ मतलब जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, मतलब हर व्यक्ति के क्या होते हैं, दो उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, दो दायित्व होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब दायित्व किसकी तरफ, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए दायित्व होता है, अपने पेरेंट्स के लिए होता है, अपनी वाइफ के लिए होता है, अपने चिल्ड्रन के लिए होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और साथ में उसके साथ में एक और दायित्व होता है, वो होता है अपने लोगों के लिए दायित्व, हिज कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी के दायित्व और उसकी कंट्री के प्रति उसके कुछ दायित्व होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर क्या होता है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। मतलब सोसाइटी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो सक्षम होता है, एबल होता है इन सभी जो ऑब्लिगेशंस है, जो उत्तरदायित्व हैं, इनको फुलफिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। मतलब अपने अपने व्यवहार और अपनी अपनी क्षमता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों उत्तरदायित्व को पूरा करने में सक्षम होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका, देखो ये जो बात बताई गई है अभी आपके लिए, ये एक नॉर्मल समाज में जो एक पर्सन के जो ड्यूटीज होती है, जो कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में बताया गया एक नॉर्मल समाज के अंदर। लेकिन बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन वो कहते हैं कि एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर, नॉर्मल कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, साउथ अफ्रीका जैसी सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, एक व्यक्ति इन दायित्वों को फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो भी किस तरह का, मेरे जिसका जन्म मेरी तरह हुआ है, जिसका कलर मेरी तरह है, स्पेशली उनके लिए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब वो कहते हैं वो देखिए स्टोरी वो अपने ऊपर से ही बताते हैं कि जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने
कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे क्या किया गया, उसे दंडित किया गया और उसे अलग कर दिया गया। आइसोलेटेड का मतलब होता है उसे अलग कर दिया गया, उसे एक तो प्रताड़ित भी किया, पनिशमेंट भी मिली और उसे साथ में एक अलग थलग उसे कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी कंट्री के बारे में सोचता है, तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसे अलग थलग भी कर दिया था। और साथ में अगर कोई अपने देश के लिए सोचे, अपने पीपल के लिए सोचे, तो क्या करते हैं, उसके परिवार वालों को भी पनिश किया जाता है और साथ में उसको परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसे भी पनिशमेंट दी जाती है और उसे फोर्स किया जाता है कि अपने परिवार से दूर जा करके अपने जीवन को बिताओ। मतलब जैसे कि उन्हें 30 साल के लिए जेल में डाल दिया था अपने पूरे परिवार से अलग करते हुए, तो वो अपनी ही ये स्टोरी को बता रहे हैं। आगे ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिलीजन, और साथ में एक बागी जीवन जीने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने, बिगिनिंग के अंदर मैंने कभी भी लोगों को मेरी फैमिली से ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों की सर्विस करते हुए ना, लोगों का ध्यान देते हुए, लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मुझे पता चला, मैंने ये पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज अ सन, कि मैंने पाया कि मुझे रोका गया किसके लिए, फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए मेरे ओब्लिगेशंस को एज अ सन, एक बेटे के रूप में मेरे जो कर्तव्य थे उसे पूरे करने के लिए रोका गया। एक भाई के प्रति, भाई होकर के जो मेरे कर्तव्य बनते हैं, एज अ ब्रदर मुझे रोका गया, एज अ फादर मुझे रोका गया और एज अ हस्बैंड मुझे रोका गया, मेरे दायित्व को पूरा करने से मुझे रोका गया। कहाँ पर, कौन सी कंट्री में, अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो वो इस तरह से अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करते हैं। I was not born with a hunger to be free। अब वो कहते हैं कि मेरा जब जन्म हुआ तो मैं किसी आज़ादी के लिए जन्मा नहीं था, मुझे मतलब मेरे अंदर आज़ादी प्राप्त करने की भूख नहीं थी, क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो एक जो बच्चा रहता है वो, उसके अंदर इस तरह की कोई भी बात नहीं होती, वो टोटली फ्री होता है। आई वॉज बोर्न फ्री, वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, सारी तरह, सब तरह से फ्री, आज़ाद, दैट आई कुड नो, जिन चीज़ों को मैं जानता था उन सभी के लिए मैं क्या था, आज़ाद। वो अपने बचपन के बारे में कहते हैं, फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मतलब खेतों में दौड़ने के लिए बिल्कुल फ्री था, नियर माई मदर्स हार्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मतलब मेरे विलेज से होते हुए जो बहती हुई धारा है उनमें नहाने के लिए, तैरने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था, और फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यहाँ तक कि खुले आसमान के नीचे खाना पकाने के लिए मैं स्वतंत्र था, और जो बेल, जो बुल्स चलते हैं धीरे धीरे, उनके पीठ पर बैठ करके सवारी करने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था। मतलब वो बचपन की बात बताते कि देखो, एक बच्चा जो रहता है जिसमें समझ नहीं होती, वो अपने आप को क्या मानता है कि मुझे रोक टोक नहीं है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। तो इसी तरह से वो भी कहते हैं कि मैं, जब मैं छोटा था मुझे लग रहा था कि मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मतलब कहते हैं कि जब तक कि मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और अपने ट्रेडिशंस को फॉलो किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉस ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी भी मतलब ना तो इंसान के नियमों ने और ना ही भगवान के नियमों ने मुझे परेशान किया। वो बता रहे हैं अपने बचपन के बारे में। अब आगे बताते हैं, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और ये उन्हें कब पता चला कि मेरी आज़ादी नहीं है, ये उन्हें तब पता चला जब उन्हें ये पता चला कि ये जो मेरी बॉयहुड, मेरा जो बचपन की जो फ्रीडम है, ये सिर्फ एक छलावा है, एक इल्यूजन मात्र है। वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो पहले से ही मुझसे छीन ली जा चुकी है, पहले से ही मुझसे ले ली गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके बाद मैंने उस आज़ादी को पाने की मेरे अंदर भूख जागने लगी कि मुझे अब वही आज़ादी जो मेरे पास पहले थी वही मुझे चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, और वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे फ्रीडम चाहिए थी मेरे खुद के लिए, द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। अब वो कहते हैं कि इस तरह की फ्रीडम चाहिए थी, परमानेंट फ्रीडम नहीं, जैसे कि हम जाते हैं ना, जैसे कहीं घूमने फिरने की आज़ादी, जो हमें अच्छा लगता है उसे पढ़ने की आज़ादी, और कहीं जहाँ पर हम जाना चाहते हैं बिना रोक टोक के वहाँ पर जाने की आज़ादी, यही आज़ादी मुझे चाहिए थी स्टार्टिंग में। लेटर, लेकिन बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, मतलब एक आदमी के रूप में जोहान्सबर्ग के अंदर, आई यर्न टू फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप फॉर ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली
द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ठीक है। और उससे पहले वो कहते हैं कि जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता, अपने पोटेंशियल को प्राप्त करने, अपनी कमाई करने, शादी करने, एक परिवार और पारिवारिक जीवन जीने में बाधा नहीं बनने की स्वतंत्रता और बुनियादी सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया। मतलब यहाँ पर जोहान्सबर्ग में उन्हें इस तरह की फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी कि खुद से शादी कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं, कमाई कर सकते हैं अपनी खुद की। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बाउंडेशन थी वहाँ पर, इन चीज़ों के लिए वो बिल्कुल तरस चुके थे, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। अब वो कहते हैं कि धीरे धीरे उनको पता चला, उन्हें देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ बल्कि मेरे जो भाई बहन हैं और जो मेरे भाई और बहन हैं वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी फ्री नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। अब वो कहते हैं, मतलब वो अपने कलर के रूप में कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता के बारे में नहीं था जिसको कि कम कर दिया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता का सवाल था जो कि मेरे जैसे दिखते थे। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि वो जो उनका जो ब्लैक कलर है उस कलर के कारण उन्हें इतने सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था। कौन कौन से? कि वो शादी नहीं कर पाते थे और फैमिली को नहीं रख पा रहे थे और साथ में कमाई नहीं कर पा रहे थे, भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था। मतलब वो कह रहे कि जब बचपन में थे तो उनको इस रोक टोक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो ये सारी जो स्वतंत्रता उनसे धीरे धीरे छीन ली गई सारी चीज़ें। और वो कहते कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा था बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले, मेरे जैसे कलर वाले सभी लोगों के साथ ये सारा कुछ हो रहा था, मेरे भाई बहन के साथ, सभी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसी के बाद वो कहते हैं कि मैंने किसको ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, वो शामिल हो गए। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब वो कहते हैं कि उसके बाद से, जब से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैं शामिल हुआ, तभी से मेरी आज़ादी, मेरी अपनी आज़ादी की भूख इतनी बढ़ गई कि मतलब कि वो मेरी भूख बन गई। अब मुझे आज़ादी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था, आज़ादी ही उनकी हंगर बन गई। क्योंकि स्टार्टिंग वो कहते हैं कि शुरू से ही मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं अपने आप को स्वतंत्र पाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई और साथ ही मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों से ये सारी चीज़ें छीन ली गई, हमें कुछ भी अधिकार नहीं था। और उसके बाद में जब से मैं इस पार्टी के अंदर ज्वाइन हुआ मुझे स्वतंत्रता का महत्व पता चला और तभी से मेरी स्वतंत्रता पाने की जो भूख है वो बन गई कि मुझे स्वतंत्रता ही चाहिए। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब देखिए, अब वो कहते हैं कि इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, ये सिर्फ एक इच्छा थी किसके लिए, फ्रीडम के लिए, ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। अब वो कहते हैं कि ये जो मेरी डिज़ायर थी ये मेरे लोगों की फ्रीडम को लेकर के थी कि वे भी सम्मानपूर्वक अपने जीवन को जिए, और किसके साथ में, डिग्निटी के साथ में, पूरी स्वतंत्रता के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, गरिमा के साथ में वो अपने जीवन को जिए, यही मेरी इच्छा थी और इसी ने मेरी इच्छा को जीवित रखा, ठीक है। उसमें उसके बाद कहते हैं और इसी चीज़ ने मेरी लाइफ को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। वो कहते हैं कि इसी चीज़ ने एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड एंड बहादुर व्यक्ति में बदल दिया। और दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। वो कहते हैं कि इसी चीज़ ने, मतलब इसी भूख ने, स्वतंत्रता की इसी भूख ने जो कि उस इंसान को बदल दिया जो कानून को मानता था, कानून को मानने वाले, कानून का पालन करने वाले वकील को एक क्रिमिनल के रूप में बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इसने किसको बदल दिया, एक परिवार से प्यार करने वाले वाला जो पति है, हस्बैंड है, उसको घर के बिना रहना सिखा दिया। मतलब ऐसा आदमी बना दिया, बिना घर का आदमी बना दिया इस चीज़ ने, मतलब इस एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और साथ में ये बना दिया दैट फॉर्ज अ लाइफ लॉन्ग लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, सभी से बहुत प्यार करता था, उसको एक मॉन्क की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा मॉन्क, साधु बना दिया, मोह माया त्यागने वाला, एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट वन नेक्स्ट मैन। वो कहता है कि मैं किसी दूसरे इंसान की तरह जो है आत्मत्यागी नहीं था, नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। वो कहते हैं कि मुझे पता चला, मैंने देखा या मैंने पाया कि मैं गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता था। मतलब वो कहते हैं कि जब हमारी, वो तब की बात कर रहे हैं जब वो उनको फ्रीडम नहीं मिली थी। उनका कहना था कि मैं घुट घुट कर जीना मुझे पसंद नहीं था, ठीक है, मतलब मैं एक अच्छा व्यक्ति था और मुझे आज़ादी की प्राप्ति की जो मेरी भूख थी उसने मुझे इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया और मुझे लिमिटेड फ्रीडम्स नहीं चाहिए थी। उसके बाद वो कहते हैं
आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और वो कहते हैं कि मुझे इस तरह की फ्रीडम से कोई चाहत नहीं है जहाँ तक कि मेरे लोग ही वो नहीं है, स्वतंत्र नहीं थे, उनके लोग ही स्वतंत्र नहीं थे, ऐसी मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, वो कहते हैं कि फ्रीडम कोई बांटने वाली चीज़ नहीं है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। वो कहते हैं कि किसी एक की परेशानी सभी लोगों की परेशानी है और सभी लोगों की परेशानी मेरी परेशानी से जुड़ी हुई है। ठीक है, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से वो एक दूसरे से चेन में बंधे हुए हैं। ठीक है, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द ओप्रेस्ड। अब वो कहते हैं कि मैं जानता था कि, या मुझे लगता था कि एक जो ओप्रेसर होता है, जिसके ऊपर उत्पीड़क होता है, मतलब जिसके ऊपर जिसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको भी उसी तरह से मुक्ति किया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़कों को। मतलब यहाँ पर ओप्रेस्ड मतलब जो जिसको हम परेशान करते हैं, एक तरह से जिसको परेशान किया जाता है, उसको जिस तरह से हम आज़ाद करते हैं, है ना, तो वो जो प्रोसेस होती है उत्पीड़न करने की, ओप्रेस करने की जो प्रोसेस होती है, उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। मतलब जिस तरह से किसी को मुक्त करते हैं, तो वो मुक्त मतलब उसको कैदी ना करो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। वो कहते हैं कि एक इंसान जो कि किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को हड़प लेता है, उसकी फ्रीडम को छीन लेता है, वो किसकी तरह होता है, वो नफरत का कैदी होता है, मतलब नफरत के लायक होता है वो। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स फॉर प्रीजस्टिस एंड नोरो माइंडेडनेस। मतलब उसको क्या कर दिया जाना, उसकी छोटी सोच के लिए, छोटेपन के लिए उसको क्या कर देना चाहिए, जो बिहाइंड द बार्स उसे डाल देना चाहिए, मतलब जेल के अंदर उसे डाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने की कोई अधिकार नहीं है जो कि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को छीनता हो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि मैं तब तक फ्री नहीं हूँ, तब तक स्वतंत्र नहीं हूँ, तब तक सही नहीं हूँ जब तक कि मैं दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। तब तक मैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता हूँ, फ्री नहीं मानता हूँ। अगर मैं लोगों की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो मेरी आज़ादी भी का भी कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा कहते हैं, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और इसी तरह से मान सकते हैं कि मान लो मेरे से भी मेरी जो आज़ादी छीन ली गई हो, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, जैसे कि मेरी भी आज़ादी किसी ने छीन ली है। वो इस तरह से बताते हैं, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं कि एक ओप्रेसर जो परेशान करता है और एक ओप्रेस्ड जिसको परेशान किया गया है, वो दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता को लूट रहे हैं, अपनी ह्यूमैनिटी को अपने आप ही लुटा रहे हैं और लूट रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था हमारा, ये बेस्ड है उनकी नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या था, उनकी ऑटोबायोग्राफी का जो नाम था वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा। ठीक है, वो अपनी सारी बातों को इस चैप्टर के थ्रू हमको बताना चाहते हैं। अब उन्होंने जो उनकी स्पीच थी, उन स्पीच में वो सारी बात को भी उन्होंने बताया और भी क्या लिखा उन्होंने कि उनके साथ क्या क्या, वो सारा चीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। और आप सभी को इसके क्वेश्चन आंसर मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, टच स्काई लर्निंग पर आप लोग इसे सर्च करना, वहाँ से आपको इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनके क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।